Hi guys, welcome to my channel. Thank you so much for joining in another video. I am back on my car seat और आज जा रहे हैं हम पंचकुला ट्रेड फेयर देखने. सेक्टर 5 पंचकुला हुडा ग्राउंड के अंदर लगा हुआ है ट्रेड फेयर. एंड छोटा बेबी इज एक्साइटेड, वी ऑल ऑल्सो एक्साइटेड. वी आर गोइंग टू सी कि एग्जैक्टली ये कैसा ट्रेड फेयर है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही पंचकुला में ये ट्रेड फेयर लग रहा है. सो या विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड यस, अगर टाइमिंग्स और बाकी शेड्यूल की बात करो तो 11 बजे यानी 11 AM से ये ट्रेड फेयर स्टार्ट हो जाता है और 11 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ है. आज सेकेंड डे है, कल हम जा नहीं पाए थे, कल फर्स्ट डे था. पंचकुला में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो वी कुड मेक इट. सो यस, अब मौसम खुल गया है तो मी विद माई किडो वी आर गोइंग एंड होप वी आर गोइंग टू एंजॉय इट. आई विल शो यू एवरीथिंग. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ओके गाइस, सो गाड़ी हमने पार्क कर दी है थोड़ी दूर और अब हम वॉक करके जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ. अभी ओके गाइस, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस, अगर एंट्रेंस की बात करें तो जो थीम दिया हुआ है ट्रेड फेयर को वो लंदन ब्रिज का एंट्रेंस बनाया हुआ है. लंदन ब्रिज का जो थीम है वो दिया गया है एंट्रेंस पर. एंट्रेंस पर ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा. बट एक चीज जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो थी इसकी एंट्रेंस ही. एंट्रेंस के बाहर जो ग्राउंड एरिया था वो टोटली मेस्ड अप था ड्यू टू रेन एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू इवन एंटर इट. So enter was not at all good. मुझे I was really really disappointed. But anyhow we took ticket. 20 rupees का per head ticket है and we entered. Enter करते ही आप देखोगे left hand side and right hand side पर बहुत सारे stalls लगे हुए हैं. बिल्कुल सामने ही आपको dinosaur, robotic dinosaur park मिल जाएगा. Wooden items बिल्कुल center में लगाए गए हैं इस trade fair के. And maximum जो stalls हैं, shopping stalls हैं, वो left hand side पर ही हैं. जहाँ पर ज्वेलरी शॉप्स, टॉय शॉप्स, कारपेट शॉप्स, सूट्स मटेरियल की शॉप्स, बहुत सारी चीज़ें और मिल जाएंगी. यहाँ पर कैमल राइड भी थी, 2 या 3 कैमल थे एंड राइड्स दे रहे थे. इसके अलावा भूत बंगला भी है जो हमने नहीं लिया क्योंकि लेट हो चुका था एंड ऑल्सो काफ़ी रश हो गया था. इन द एंड जब हमने एंटर किया था तो ज़्यादा रश नहीं था, रश काफ़ी कम था बिकॉज थोड़ा सा डे टाइम था जब हमने एंटर किया. बट जब हम निकल रहे थे, एग्जिट कर रहे थे, तो रश आई थिंक 3x हो चुका था. आप देखोगे बहुत सारी गुड शॉप्स यहाँ पर थी. बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके के एक्टिविटीज़ थी. ये गेमिंग एरियाज बने हुए थे, रिंग्स वाला था, बॉटल से नॉकआउट करना था एंड गन से आपको बलून पॉप आउट करने थे. जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे आपको फूड एरिया मिल जाएगा. यहाँ पर मैक्सिमम वैरायटी का फूड था. आई वुड से कि भुट्टा था, पिज्ज़ा थे, साउथ इंडियन था, नॉर्थ इंडियन था. सो काफ़ी तरह का फूड स्टॉल लगा हुआ था. अगेन एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जो ग्राउंड था वो इतना कंफर्टेबल नहीं था वॉक करने के लिए. हर जगह गीला ही गीला था. दो इन्होंने ग्रीन कलर की कार्पेटिंग कर रखी थी इसके ऊपर, बट स्टिल इट वॉज नॉट कम्फर्टेबल टू वॉक बिकॉज ऑफ रेन. अब यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ एक डीजे एरिया बनाया हुआ है बिल्कुल एंड ऑफ द फेयर के बिल्कुल एंड में. एक डीजे एरिया है जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे. एंड ओवरऑल आई वुड से कि बच्चों की ही जगह है. बट यस, पेरेंट्स भी अगर मौसम अच्छा है तो इंजॉय कर सकते हैं. हम गए थे तो मौसम काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल धूप या जो गर्मी होती है आफ्टर रेन की वो नहीं थी. मौसम काफ़ी अच्छा था बच्चों के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि काफ़ी अच्छी जगह थी. वी डिसाइडेड टू टुक दिस ड्रैगन ट्रेन हमने ली एंड वी एंजॉयड इट. बट आई वुड यू नो लाइक टू मेंशन वन थिंग हियर इज प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस. बहुत कम लोग ही प्रिकॉशंस ले रहे थे यहाँ पे, जो कि मुझे तो अच्छा नहीं लगा देख के कि लोग
मास्क छोड़ दिया है लोगों ने पहना और भीड़ में इधर उधर यू नो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं लोग। दो जब हमने एंटर किया था इतना रश नहीं था, बट एट द एंड काफ़ी रश हो चुका था, तो हमें काफ़ी जल्दी जल्दी में हम निकले। तो उसके बाद हमने ट्रेन राइड के बाद हमने डिसाइड किया हम रोबोटिक डायनासोर पार्क में एंटर करेंगे। तो या अभी आई यू एक्साइटेड टू सी डायनासोर्स? डायनासोर देखने? डायनासोर्स से ये ऐसे करो ये। ओके गाइस, तो हमने ले ली है डायनासोर की टिकट, सो वी आर गोइंग टू सी दिस रोबोटिक डायनासोर पार्क। लेट्स गो। Unfortunately, यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, but I'll try to cover what I can. So this is basically the dinosaur park. ही कुछ इस तरह का पार्क बना हुआ है यहाँ पे, ये रोबोटिक डायनासोर हैं। ऑलराइट गाइस, सो बाहर आ जाने के बाद डायनासोर पार्क के, तो हमने कुछ क्रॉकरी स्टॉल्स विजिट किए, कुछ मूवी आइटम्स देखे, कुछ टॉयज देखे। बट आई वुड लाइक टू से कि जो डायनासोर वाला था वो 100 रुपी पर हेड का टिकट है, वो मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी है। छोटा छोटा ग्लिम्प्स मैं आपको यहाँ के स्टॉल्स का दे रही हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये पूरा फेयर दिखता कैसा है। आप देख सकते हो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, एंड ये रात का टाइम हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, तो रश भी आप देखो कि थोड़ा बढ़ ही रहा है। सो आई वुड से कि अपना मास्क पहने रखें, सैनिटाइजर हाथ में रखें, पूरी प्रिकॉशंस ले प्लीज। ऑलराइट, तो ये था अंधेरे का व्यू यानी नाइट व्यू, आप देख सकते हो रात में कुछ इस तरह से लग रहा था। सो विद दिस आई हैव डन कंप्लीटेड दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट।